सबसे बड़ा वहाँ पर इलिटरेसी का और एजुकेशनल बैकवर्डनेस जो है वो सबसे बड़ा एक इशू है वहाँ पर. जैसे कि 2001 सेंसस में भी है कि किशनगंज इज द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार. बिहारी सबसे लीस्ट लिटरेट है, उसमें किशनगंज जो है वो सारे जिलों में से पीछे है. तो ये सबसे बड़ा वहाँ पर है, स्पेशली अमंग वुमेन, जहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन का 18% है एंड इन माइनॉरिटी कम्युनिटी इट इज इवन लेस. तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पर, इलिटरेसी एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस. उसके अलावा जो है अभी हेल्थ इश्यूज भी हैं, क्योंकि वहां पर आप देखें जो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है. वहां पर हॉस्पिटल्स और जो पीएचसीज हैं उसमें डॉक्टर की कमी है. तो हेल्थ इश्यूज, जो बेसिक हेल्थ केयर सिस्टम है वहां का, वो भी उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स हैं और वो भी एक वहां पर चैलेंज है लोगों के लिए काम करने के लिए, कि लोगों को जो है वो जो बेसिक जो उनका राइट है, हेल्थ राइट है, वो मिले. तो क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मजबूत नहीं है, जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो नहीं है वहाँ पर, तो वो भी एक इशू है. प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उसके अलावा पॉवर्टी, आपने कहा वहाँ पे कोई भी मेजर इंडस्ट्री नहीं है, ज्यादातर जो है सब एग्रीकल्चर बेस है. तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और माइग्रेशन रेट इज ऑल्सो वेरी हाई, और उसकी वजह से ज्यादातर लोग जो है वहां पर, कुछ कुछ गांव आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे पूरी जो मेल पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाती है टू बिग सिटीज लाइक दिल्ली, बॉम्बे एक्सेट्रा इन सर्च ऑफ जॉब. तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है वो वहां पे ऑलमोस्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, कोई जॉब एवेन्यूज नहीं है, स्टूडेंट्स भी जो है वहां पर, एजुकेशनल फैसिलिटीज की कमी है, तो माइग्रेशन रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है. उसके बाद बॉर्डर एरिया होने की वजह से वहां पर ट्रैफिकिंग जो है वो NH-31 जो शुरू होता है फ्रॉम नेपाल एंड बांग्लादेश, पासिंग फ्रॉम किशनगंज टू पूर्णिया एंड ऑल, तो गर्ल ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह के जो इश्यूज हैं वो भी वहां पर हैं, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा ये जो है ट्रैफिकिंग जो है वो बहुत ज्यादा है वहां से. तो ये सब जो जितने भी इश्यूज हैं सब आपस में रिलेटेड हैं.